नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ करियर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं। राजस्थान पंचायत जो पंचायत विभाग होते हैं उनमें वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, वैकेंसी निकली हुई है इसमें। तो आपको जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी होता है उसकी पोस्ट पर, और जो एक और है उसमें क्या नाम है उसका, अकाउंटेंट जो है उसके पोस्ट पर, इन पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकल हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसमें कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है दोस्तों। इसमें 2100 के समथिंग, 2100 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों वैकेंसी की बात करी जाए तो 2190 के आसपास वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान पंचायत सी राज विभाग में। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लें, उससे पहले मैं आपको बता, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दोस्तों। और हमारे चैनल पर क्लासेस लग रही है, आप उनको भी ले सकते हैं रेगुलर। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों किस किस पोस्ट पर निकल रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर, ठीक है, JER, इस पोस्ट पर निकली है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के पोस्ट पर निकल रही है। तीसरी बात करें तो तीसरी अपने निकल रही है जो ग्राम सेवक अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं BDO, BDO बोलते हैं शायद, है ना। तो अपना ग्राम विकास अधिकारी इन पोस्ट पर अपनी निकली हुई। सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक है, इस पर और इस पर और इस पर अपने को क्या क्या, अपने पास क्या क्या डिप्लोमा होना चाहिए, किसके लिए क्या डिग्री है। सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी के लिए अपने पास होना चाहिए कॉलेज डिग्री, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अकाउंटेंट के लिए, अपने पास जो 2 साल का अकाउंटेंट कोर्स होता है वो होना चाहिए, 2 साल का अकाउंटेंट कोर्स दोस्तों। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की बात करें, इसमें अपने पास इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी अलग अलग पोस्ट पे जिस भी से ITI वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी कर रखी हो डिग्री, तो वो डिग्री होनी चाहिए इनके लिए, ये आपको अलाउड है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करी जाए कि इसका नोटिफिकेशन आपको बता दूं, बहुत ही जल्द फरवरी और मई के बीच में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, यानी कि इस बीच में ये फॉर्म लगे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है इस विभाग में, राजस्थान में, ठीक है। अब उसके बाद में बात करी जाए कि ये फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से पूरी जानकारी, अखबार की कटिंग वगैरह भी है उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में बात करी जाए कि फीस कितनी रखी गई है इसकी। जनरल और OBC के लिए इसकी फीस है 450 रुपये, 450 रुपये, और जो SC और ST से जो बंदा बिलोंग करता है उसकी फीस है आपकी 150 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी फीस रखी गई है दोस्तों। अब बात करी जाइए, इसमें बोल रहा है 93% वैकेंसी खाली पड़ी है अभी, मतलब बहुत कम बंदे अभी पद पर कार्यरत है, बाकी वैकेंसी खाली पड़ी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।